A very good morning to all of you, class. After completing exercise 4.1 and 4.2, next page से new date and day डाल के आप topic लिखेंगे angle. ठीक है? आज हम पढ़ रहे हैं angle. Angle क्या होता है? The corner which is made from two rays emerging from a common point. ठीक है? ये जो corner बनता है, इसको मैं बोलती हूँ angle. ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, ड्रॉ कर दीजिए. ए बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है. वाइल सिग्निफाई वाइल स्पेसिफाइंग वाइल स्पेसिफाइंग स्पेलिंग ध्यान से लिखना. वाइल स्पेसिफाइंग द एंगल द vertex is always written as the middle letter. मतलब यहाँ पे मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ? एंगल बी की, है ना? तो एंगल बी को जब मेरे को स्पेसिफाई करना है, तो मैं एंगल बी का जब पूरा नाम लिखूंगी तो बी हमेशा बीच में रहेगा. और जिनकी वजह से वो बना है, जिन दो रेज की वजह से वो बना है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग रेज हम आगे पीछे लिखते हैं. जैसे बी लिखना है, एंगल बी मेंशन करना है, तो ए बी सी लिखूंगी इसका नाम, या फिर इसका दूसरा नाम हो जाएगा सी बी ए. तो जो साथ में होते हैं इन दोनों का ऑर्डर मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है? मिडल वर्ड. ठीक है, मिडल लेटर. नेक्स्ट आप लिखिए इंटीरियर of an angle, exterior of an angle. ठीक है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अगर ये मेरे पास एंगल है ए ओ बी, आप ये ड्रॉ कर लीजिए और दो अलग अलग सिंबल यूज कर लीजिए. जैसे मैं सर्कल यूज कर रही हूँ, या डॉट डाल लीजिए, या कलर यूज कर लीजिए, जो भी इस एंगल के इनसाइड में आएगा इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर. और जो भी, लेट सपोज मैं स्टार बना लेती हूँ बाहर के लिए, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर. तो इंटीरियर के लिए आप डॉट्स डाल दीजिए और एक्सटीरियर के लिए आप यहाँ पे स्टार मेंशन कर दीजिए और ये फिगर बना दीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या है. इंटीरियर मीन्स इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड. ओके, आफ्टर नोटिंग डाउन दिस वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. Please note down this from the same page. Continue. Exercise 4.3, question number 1. Question number 1 में हमें दे रखा है, एक फिगर दे रखी है like this, और मुझे दे रखा है कि आपको नेम करने हैं सारे एंगल्स. अब ध्यान से देखना है, अगर मैं एंगल ए की बात कर रही हूँ तो मैं उसका नाम क्या लिखूंगी? वो किसकी वजह से बना है? डी और बी की वजह से. तो डी ए बी, तो हमने ए को सेंटर में रखना है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? बी ए डी. ठीक है, नेक्स्ट एंगल, अगर मैं एंगल बी की बात कर रही हूँ तो मैं बी को सेंटर में रखूंगी, और वो जिनकी वजह से बना है उनको आस पास रखूंगी. ए बी सी या फिर सी बी ए. ओके, एंड देन फॉर द नेक्स्ट थर्ड एंगल मैं किसको मेंशन करना चाह रही हूँ? एंगल सी को. तो सी को बीच में रखूंगी. वो किसकी वजह से बने? कौन सी दो रेस की वजह से? बी सी और बी डी, मतलब बी और डी पॉइंट्स हेल्प कर रहे हैं, तो बी और डी को आसपास ले दूंगी. ओके, नेक्स्ट में लास्ट एंगल डी की बात कर रही हूँ, तो एंगल डी को सेंटर में रखूंगी, और इसलिए लिख पा रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि इसका नाम ये भी है. जैसे हम बोलते हैं सुशील और सुशील कुमार, दोनों सेम ही इंसान है, तो हम वैसे बात करें कि दिस एंड दिस मीन्स जस्ट द सेम. टोटल चार एंगल्स ही बन रहे हैं, आठ नहीं बन रहे. तो डी को मेंशन करने का नाम क्या होगा? सी और ए की वजह से बन रहे, तो ए डी सी और सी ए सी डी ए. ओके,
सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू की टू फिगर हमें ये बना के दे रखी है, ठीक है. एंड वी आर आस्क्ड इन द फर्स्ट पार्ट, आप फिगर भी ड्रॉ करेंगे. उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई बताना मुझे. डी ओ ई एंगल कौन सा है? डी ओ ई ये वाला एंगल, इसके इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड. कौन कौन सा एंगल है इसके इनसाइड में? प्लीज प्लीज लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली एंड देन आंसर. कि मैं पूछ रही हूँ इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या होता है? इंटीरियर की जो कि उसके विद इन हो, जो उसके अंदर हो, ठीक है. तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं? वो है एंगल ए, वेरी गुड, एंड एंगल बी, एग्जैक्टली, ठीक है. ओके, बी नहीं बोलेंगे क्योंकि बी उसकी बाउंड्री पे है, ठीक है. तो अगर हम बाउंड्री को लेते तो हम फिर बोलते ऑन एंगल बी ओ सी कौन से हैं. ऑन नहीं पूछा, हमें इंटीरियर पूछा, मतलब अंदर. अंदर कौन कौन से हैं हमारे पास? तो हम ये सबको हटा देंगे. इंटीरियर में सिर्फ हमारे पास पॉइंट ए है. अगर क्वेश्चन होता ऑन एंगल डी ओ ई तो मैं बोलती कि पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, पॉइंट ओ है और पॉइंट बी है. ऑन का मतलब होता है उसके ऊपर, इंटीरियर का मतलब होता है उसके अंदर, उसके विद इन, उसके इनसाइड में, ठीक है. सो हमें तो इंटीरियर पूछा था, इंटीरियर का आंसर क्या है? सिर्फ पॉइंट ए, सिर्फ पॉइंट ए इसके विद इन है, ठीक है, अंदर है. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ. ई ओ एफ का है, आप देखते हैं ई ओ एफ, इस एंगल की बात हो रही है. इस एंगल में, इस एंगल के अंदर नहीं पूछा, एक्सटीरियर पूछा. एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर. बाहर कौन कौन सा एंगल है? सी है, ए है, डी है, ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन द आंसर एज सी, सी, ए एंड डी, ठीक है. क्योंकि ये तीनों, तो ये चार पॉइंट तो उसके ऑन पे है, ठीक है. सो द आंसर टू इट विल बी पॉइंट सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी. लास्ट पार्ट सेज ऑन एंगल ई ओ एफ. ऑन का मतलब अभी बताया था, जो उसके ऊपर है. ई और ई ओ एफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स है? बी है और ई ओ एफ खुद है. पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट एफ, समझ आया? चार पॉइंट्स हो गए. क्वेश्चन थ्री आपको नहीं करना, ये एक्सरसाइज इतनी है, जस्ट कंप्लीट इट. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइंगल्स. स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज, लीव दैट पेज. अब आपको लिखना है ट्राइंगल, सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है. ट्राइंगल की डेफिनेशन हमें पता है, इट इज अ थ्री साइडेड, इट इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? सिंपली क्लोज्ड फिगर मेड विद लाइन सेगमेंट्स. और जिस जो तीन लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको क्या कहते हैं? हम ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि ट्राई का मतलब तीन, तीन एंगल, तीन साइड, तीन वर्टिसेस, ठीक है. अब हम इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज 4.4. दिस इज वेरी इजी क्लास, आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं आपको करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर वन है इसका, सिर्फ दो दो क्वेश्चन है हर एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर वन है, कोई भी आप रफ स्केच बनाइए ट्राइंगल ए बी सी का. तो आपका जैसे मन करता है आप एक ट्राइंगल बना लीजिए ए बी सी, ठीक है. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कोई भी पॉइंट पी मार्क करो उसके इंटीरियर में. इंटीरियर मतलब जो इसके अंदर है, कहीं पे भी आप पॉइंट पी मार्क कर दो. और कोई भी पॉइंट मार्क कर दो क्यू एक्सटीरियर में. यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, कहीं पे भी कर सकते थे, मतलब ट्राइंगल के बाहर. अब आपको बताना है कि ए, पॉइंट ए इंटीरियर पे है या एक्सटीरियर पे. सो जस्ट राइट डाउन ए इज नीदर इन इंटीरियर नॉर ऑन एक्सटीरियर, नॉर इन एक्सटीरियर. इट इज ऑन ए ट्राइंगल ए बी सी. वो ना तो बाहर है ना तो वो अंदर है, वो तो ट्राइंगल के ऊपर है, ऑन है, ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई वुड से द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज.
इट सेज एक ट्रायंगल बना रखा है हमारे को ऐसे, एक नहीं है एक का, फिर दो पार्ट्स कर रखे हैं और नाम दे रखा है ए बी डी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है ये। फर्स्ट पार्ट पूछा है कि इस फिगर में सेवन एंगल्स बन रहे हैं, उन सेवन एंगल्स का नाम बताइए। ठीक है, आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो सेवन एंगल्स कौन से बन रहे हैं। पहला एंगल ये दिख रहा है, दूसरा एंगल ये दिख रहा है, तीसरा एंगल ये दिख रहा है, चौथा एंगल ये दिख रहा है, पांचवा एंगल ये दिख रहा है, छठा एंगल ये दिख रहा है, सातवां कहाँ दिख रहा है ये बताइए, सातवां एंगल कहाँ दिख रहा है आपको। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 5 + 6 ये पूरा एंगल भी तो 7 एंगल है, ऐसे मैं आठवां एंगल भी बना लेती हूँ एंगल डी को। नहीं, एंगल डी नहीं बनता, बनता नहीं बनता। वेरी गुड, सो दैट वाज टू चेक यू, अगर मैं ये ए डी की लाइन हटाई दूँ तो डी पे कोई एंगल नहीं बनता, एंगल के लिए मुझे दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में बात करें तो भी मुझे एक एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने सात मार्क तो कर दिए, बट अब मैं आपको नाम लिखवाती हूँ कैसे लिखना है। ए बी डी सी, छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की तीन एंगल के नाम बताओ। एंगल ए डी बी, तो मैं किस ए डी बी, तो मैंने किस एंगल की बात की, डी की। अब बी की बात करें तो ए बी डी, ए बी डी। नेक्स्ट ए की बात करें तो बी ए डी, क्योंकि जो एंगल की बात कर रहे हैं उसको सेंटर में रखना है। ओके, नेक्स्ट इस वाले ट्राइंगल पे आ जाते हैं, दूसरे ट्राइंगल पे, इस वाले पे बताइए एंगल। अगर इस वाले एंगल का नाम करना है तो डी ए सी, नेक्स्ट डी सी ए, मैं सी एंगल को मेंशन कर दिया, और ये एंगल के लिए, एंगल डी के लिए सी डी ए। ठीक है, अब हम पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर मैं ये लाइन हटा दूं, लेट्स सपोज, तो भी तीन एंगल बन रहे हैं बड़े बड़े, कौन सा, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, बट क्या ये एंगल का नाम सेम ही है, ए बी डी और ए बी सी, तीनों का मतलब सेम ही है, और ए बी डी मैं लिख चुकी हूँ यहाँ पे, तो मैं इस एंगल को मेंशन नहीं करूँगी। नेक्स्ट ए सी बी या ए सी डी, दोनों का मेंशन एंगल सी से हो रहा है जो कि यहाँ पर आ चुका है, बट अगर मैं बात करूँ एंगल बी ए सी की तो वो नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि बी ए डी मान लो 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री था, तो अब तो दोनों को मिला के 90 डिग्री बन रहे हैं ना, और उसका नाम क्या होगा, बी ए सी, तो सातवां एंगल कौन सा है, बी ए सी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट पार्ट सेज 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताओ। इसी क्वेश्चन में 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताओ। आई एम रबिंग दिस एंड रबिंग दिस ऑल्सो, 6 लाइन सेगमेंट्स कौन सी हैं इस ट्राइंगल में। स्टार्ट करते हैं, ए बी है, बी डी है, ओके, बी सी है, ए सी है, वेरी गुड, और ए डी है, वेरी गुड, और कौन सी है, ए बी, बी डी, डी सी की बात की है, अभी नहीं, डी सी एक अलग लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की बात करूं तो बी डी अलग है, डी सी अलग है और बी सी अलग है, क्योंकि उनके मेजर्स अलग होते, तो ये मेरे पास 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम आ गए। लास्ट पार्ट सेज विच टू एंगल ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। ये एंगल बी जो है, ये वाला एंगल, ये कौन कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं बताओ। एक तो ट्राइंगल इसमें आ रहा है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी डी, तो ट्राइंगल का नाम ए बी डी भी लिख सकते हो, डी ए बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ट्राइंगल के नाम में सेंटर वेंटर कुछ नहीं होता, और ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में भी आता है,
बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी. ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन था इसका ए पार्ट कि ट्राइंगल के नाम लिखने थे. तो ट्राइंगल के नाम क्या है? ए बी सी है एक का नाम, एक का नाम ए बी डी है, और तीसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? ए डी सी. ठीक है, दिस सॉल्व्स द एक्सरसाइज 4.3, 4.4 सॉरी, 4.4 भी खत्म हो गई है. देर इज नो होमवर्क फॉर यू, जस्ट रिवाइज द सेम. थैंक यू क्लास.